दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ दो सेविंग करने वाले आइटम। एक तो है ये मनी सेफ लॉकर, इसमें मुझे फिंगरप्रिंट दिखाई दे रहा है, कुछ पासवर्ड के भी फंक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और दूसरा है ये हमारा देसी पिगी बैंक। तो दोनों ही बॉक्सेस की करेंगे अनबॉक्सिंग और देखेंगे कि क्या क्या इनके फंक्शन और कितने बेहतरीन है ये आइटम। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनु और मैं यहाँ पे करता रहता हूँ टॉयज एंड गेम्स एक्सपेरिमेंट किट और कई तरह के गैजेट्स की अनबॉक्सिंग। तो वीडियो को प्लीज कर दीजिए लाइक और लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों यहाँ पर हमको मिल जाता है एक मनी सेफ लॉकर, एक प्लास्टिक का पीस है ऊपर कुछ इस तरह से लग जाएगा थोड़ा डेकोरेट करने के लिए, इसे मैं बाद में लगाऊंगा। और एक ही पैकेट है इसके अंदर, देख लेते हैं भैया क्या है। ओके, इसके अंदर स्टिकर है, दोनों साइड जो है आपको ब्लैंक दिख रही होगी, तो यहाँ पे स्टिकर लगाने हैं। तो फिलहाल जल्दी से लगा लेते हैं स्टिकर और उसके बाद में आपको इसके फंक्शन बताता हूँ। दोस्तों स्टिकर लगा दिए मैंने दोनों तरफ, अब और ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर यहाँ पे मैं क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बहुत ही अच्छा फील यहाँ पे आ रहा है, स्मूथनेस है ना बहुत अच्छी है, प्लास्टिक का मटेरियल जो है बिल्कुल एक नंबर का है। फ्रंट की तरफ आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे एक डायल पैड है जिससे कि हम अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं और पासवर्ड लगा के डोर को खोल सकते हैं। साथ ही इसके ठीक नीचे यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर का कुछ निशान है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ऊपर की तरफ आपको दिख रही होगी एक डिजिटल स्क्रीन, बट ये सिर्फ नाम की है, एक स्टिकर है, इसमें कुछ आपको दिखेगा नहीं, ना ही ये कुछ चेंज होने वाला है। एक हैंडल है, पासवर्ड लगाने के बाद इसे हम घुमाएंगे तो हमारा डोर खुल जाएगा। यहां से है ना हम नोट को करेंगे इंसर्ट, और ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहां से हम कॉइंस डाल सकते हैं, चाहे तो यहां से नोट भी डाल सकते हैं भैया, फोल्ड वोल्ड करके चला जाएगा। और यहां पे क्या है, यहां पे मैंने आपको बताया था कि यहां पे डेकोरेट करने के लिए दिया है तो इसे हम लगा सकते हैं। और साथ ही यहां पे एक बहुत ही प्यारा कैरिंग हैंडल है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि कैरी करने के लिए यार मतलब छोटा बच्चा तो कैसे कैरी करेगा, ऐसे ऐसे मतलब हाथ नहीं आएगा ना, तो ये बहुत सही चीज़ है कि इसे पकड़ के आप घूम सकते हो कहीं भी। अब करना क्या भैया, सीधे सीधे डालते हैं इसके पीछे बैटरीज, यहां पे तीन बैटरी लगेगी। तो दोस्तों बैटरी हो चुकी है इंस्टॉल, अब यहां से हम नोटों को डालेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नोटों को बाहर कैसे निकालना है, डोर कैसे खोलना है और पासवर्ड को कैसे रीसेट करना है। दोस्तों नोट को सेफ लॉकर में डालने के लिए आपको सिंपली नोट यहां पे लगा के हल्का सा पुश करना है और नोट इस तरह से अंदर चला जाएगा। और काफी स्मूथली जा रहा है नोट अंदर, एक और नोट डाल के आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों आपने देखा कि नॉट किस तरह से हमने इसके अंदर डाले। अगर हम कॉइन्स की यहाँ पे बात करें तो ये देखिए 5 का मोटा वाला कॉइन है, ये आराम से यहाँ पे चले जाता है। अगर मैं 10 के कॉइन की बात करूँ तो ये भी आराम से चले जाता है। इवन यहाँ पे अगर हम एक एक के 2 सिक्के साथ में डालें तो वो भी आसानी से अंदर चले जाते हैं। अब हमने सब कुछ इसके अंदर डाल दिया, अब निकालना कैसे भैया, निकालने के लिए यहाँ पे हमें डालना है पासवर्ड, और पासवर्ड है इसका 3x0। अब ज़्यादातर मशीन में तो 4x0 होता है, बट इसमें ना सिर्फ 3x0 है। तो मैं दबाता हूँ एक बार, अरे कुछ खुल क्यों नहीं रहा है, खुलेगा कैसे। यहाँ पे कुछ फिंगरप्रिंट स्कैनिंग का सिस्टम है, वो कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 3x0 दबाता हूँ और कुछ इस तरह से फिंगर रखूंगा ना, कुछ नहीं होगा। ये देखिए आप 2, 3, 4, 5 रखिए, बट जैसे ही यहाँ पे मैं हल्का सा ऐसे करता हूँ ना तो ये ओपन इस तरह से हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने खुद मतलब सोची, क्योंकि कई बार मैं ऐसे मतलब चेक कर रहा था कि सही में फिंगरप्रिंट का तो यहाँ पे रोल नहीं है, बट यहाँ पे हल्का सा ऐसे करके आपको हल्का सा एक क्लिक देना है ताकि अंदर ना कुछ मतलब हो जाए खटपट और ये खुल जाए। अब अंदर देखेंगे आप नॉट वगैरह इसके अंदर है, अगर स्पेस की बात करें तो बहुत सारा स्पेस है। ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर आप सिर्फ नॉट और कॉइन्स डालो, कोई भी आपकी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप छुपा के रखना चाहते हो अपने मतलब दोस्तों से या फिर अपने भाई बहन से कुछ भी ऐसा, तो आप इसके अंदर आराम से रख सकते हो और इसे इस तरह से फिर से हम लॉक कर सकते हैं। अब आपको रीसेट कैसे करना है पासवर्ड वो भी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 3x0 तो यार लगभग सबको पता ही चल ही गया होगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको पहले इसका गेट खोलना है। गेट खुलने के जैसी बात आपको तुरंत ही स्टार दबाना है और न्यू पासवर्ड जो है ना वो डाल देना है, और 3x5 दबाने का मैं क्या करूँगा हैश से कन्फर्म हो गया है, तो कन्फर्म हो गया है। अब मैं दबाता हूँ, कुछ भी कर लो, ये बोल भी रही है कि रॉन्ग है। अब मैं डालता हूँ 555 जो मेरा न्यू पासवर्ड है, और ये खुल गया। तो यार बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कमाल का सेफ लॉकर है ये, मज़ा आ गया भाई। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइटम की तरफ जो है अपना देसी पिगी बैंक, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों इसके अंदर से कुछ सामान मिलता है, जैसे कि एक पेपर, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि यार हमें इसे कैसे पेंट करना है। तो भैया पेंट तो हम इसे कर ही देंगे, कुछ कलर यहाँ पे हमको देखने को मिल जाते हैं और फाइनली आ जाते हैं अपने पिगी बैंक के ऊपर। और इसने ना यार मुझे मेरे बचपन की याद दिला दी, क्योंकि बिल्कुल
प्योर मिट्टी का बना हुआ है और काफी मतलब यार अच्छा बना रखा है। 4 लेग्स हैं तो ये बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि यार हमें बचपन से ना यार आदत डालनी चाहिए सेविंग की, क्योंकि सेविंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें अच्छे काम के लिए सेव करना चाहिए या फिर अपने बुरे वक्त के लिए सेव करना चाहिए। और ऐसे छोटे छोटे पिगी बैंक है ना, ये मतलब बचपन से ही आदत डलवा देते हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ सेव करें। तो अब करना क्या है, इसके ऊपर की तरफ देखो आप, यहाँ से हम कॉइन वगैरह डाल सकते हैं, नोट भी यहाँ से चले जाएंगे और पीछे की तरफ एक ढक्कन है जो कि ऐसे खुल जाता है और यहाँ से आप वो वापस निकाल सकते हो। मतलब ये सिस्टम नहीं है कि भैया आप पिगी बैंक भर गए, आप इससे जाके फोड़ो और निकालो, पीछे ढक्कन है, यहाँ से ही खोल के आपको निकालना है। तो यार काफ़ी क्यूट लग रहा है फिलहाल, करें इसमें कुछ कलर, चलो थोड़ा बहुत कलर करते हैं इसमें और देखते हैं कलर करने के बाद कैसा लगता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कलर कर दिया है, कुछ ऐसे ही किया है, ज़्यादा कोई मतलब दिल लगा के नहीं किया है। आप चाहे तो और भी अच्छे से कलर कर सकते हो ताकि ये और ज़्यादा अच्छा लगे। फिलहाल मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये वाला पिगी बैंक भी, और ये वाला पिगी बैंक तो मतलब बेहतरीन है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको इन दोनों में कौन सा पिगी बैंक ज़्यादा अच्छा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते जल्दी किसी नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।